रोहित शर्मा आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हैं, पर एज ए प्लेयर वे एक एवरेज खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा के फैंस, रुको जरा, सबर करो। अभी कमेंट बॉक्स में जाकर गाली टाइप करना क्यों शुरू कर दिए? पहले वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद कुछ कमेंट करना। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ रोहित शर्मा के बारे में, चलिए जानते हैं। तो रोहित शर्मा का कोई ऐसा सीजन नहीं रहा है जिसमें उन्हें रनों के लिए जाना जाए। जैसे विराट कोहली का 2016 का वो सीजन कौन भूल सकता है, जब उन्होंने 973 रन बनाए थे। मैं यहाँ ऑरेंज कैप लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है, क्योंकि पिछले सीजन ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप मिली थी, पर उनके आसपास फाफ डुप्लेसी और केएल राहुल भी थे। पर रोहित शर्मा किसी भी सीजन टॉप 5 रन स्कोरर बैट्समैन की लिस्ट में नहीं रहे हैं। अगर उनके सीजन बाय सीजन रन्स की बात करें, यानी किस सीजन कितने रन बनाए हैं, तो ये देख सकते हैं, मात्र एक ही बार 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। अगर उनके टोटल रन्स पर नज़र डालें तो आपको अच्छा खासा लग रहा होगा, पर टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एमएस धोनी वे एक फिनिशर हैं। वे ज़्यादातर 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी किए हैं और उनके तो 4800 प्लस रन हैं। लेकिन रोहित शर्मा तो ज़्यादातर मैचों में नंबर 5 से पहले ही बल्लेबाजी किए हैं, मात्र 22 मैचों में नंबर 5 पर बल्लेबाजी किए हैं और एक मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी किए हैं, फिर भी उनके इतने कम रन हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके मुकाबले कोई नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, पर आईपीएल में उनका बल्ला खामोश ही रहता है। पूरे सीजन बस 2 या 3 ही अच्छा इनिंग आता है। उन्हें हिटमैन कहा जाता है, आईपीएल में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में। टीम इंडिया के स्क्वाड में किसी भी फॉर्मेट के लिए अगर उन्हें चुना जाता है तो प्लेइंग 11 के लिए वे पहले खिलाड़ी होंगे। अब उनके साथ ओपन कौन करेगा, इसके लिए कंपटीशन बहुत है। अगर स्क्वाड में उनका नाम है तो प्लेइंग 11 में उनका नाम 100% रहेगा, उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। मुंबई इंडियंस अगर इतनी सक्सेसफुल टीम है तो रोहित शर्मा की कप्तानी का तो बड़ा हाथ है, पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाज और ऑलराउंडर्स का भी बड़ा योगदान है। रोहित शर्मा की कप्तानी में उनकी टीम हमेशा अच्छा करती है, चैंपियन भी बहुत बार बनी है, इसलिए उनके फॉर्म को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो अब आप इस पर अपना टेक कमेंट में लिख डालिए, जो लिखना है।